से लोग हमारे यहाँ आए, ऐसे प्रवचन हो, तभी ये वायुमंडल बदलेगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। और इसके साथ साथ महाराज हमने दो चीज और राजस्थान के अंदर किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर हमारे मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते हैं तो उनकी हालत खराब होती है, तो खुद ही हम लोगों को दुख पाना पड़ता है। तो हम लोगों ने राजस्थान के अंदर 600 करोड़ में पूरे जितने मंदिर, हम लोग 125 मंदिरों के ऊपर हमने हाथ लगा के उनका जीर्ण माने शीर्ण व्यवस्था जो थी उसको फिर से ठीक करने का काम किया है। और आज पूरे राजस्थान में, चाहे आप गोगापेड़ी में जाके देख लो, चाहे आप नाथद्वारा के अंदर जाके देख लो, चाहे अब खाटू श्याम जी के अंदर बड़ा काम चालू हो रहा है उसको जाके देख लो। और यहाँ भी मैंने आज ही कहा है कि जो कैला देवी का जो छोटा सा रास्ता जो बाकी बचता था उसको अपने को पूरा करना है। और महाराज जी, मैं इनको सबको खुशी से ये कह सकती हूँ कि जो पानी की व्यवस्था इतने दिनों से हम लोगों को परेशान कर रही थी, अब वो पानी आपके करौली के अंदर मई के सेकेंड वीक में मैंने 20 से 30 तारीख तक आ जाना चाहिए। और उसके बाद गंगापुर सिटी से होते हुए 13 साल बाद हम लोग नादोती तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं समझती हूँ कितना झगड़ा करके उसको वहां तक ले जाने का काम किया है। आज मुझे खुशी है ये आप सबको बताते हुए कि करौली करौली के अंदर ही हम लोगों ने करीबन 3,500 इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3,500 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ भी कोई एक पैनोरामा आपने को खड़ा करने की जरूरत है। 40 ऐसे पैनोरामा महाराज जी अभी हमने पूरे राजस्थान के अंदर खड़ा किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने इतिहास को भूल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे संत महात्मा थे, जो हमारे लोग थे जिनके बारे में इतिहास लिखा गया है, ऐसे लोगों के ऊपर पैनोरामा बनाया जाए ताकि लोग अपने बच्चों को लेके उसको दिखाएं और उनको देख के याद करें कि हमारे ये महापुरुष क्या करा कर। तो अभी अभी परशुराम जी का एक बहुत बड़ा मातृ कुंडिया के अंदर हम लोगों ने वो शुरू किया है और जगह जगह वो लेटेस्ट है। और 40 ऐसे पैनोरामा हम लोगों ने चालू कर दिए हैं ताकि पूरे राजस्थान के अंदर हमारे महापुरुषों को आप नहीं भूलेंगे। अब राजौरिया जी को मैं ये कहती हूँ कि यहाँ का कोई ऐसा महापुरुष को आप लोग निकालने की कोशिश करें, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर आप अगर लाओगे तो इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महाराज, आयुर्वेद पर ही हमारी सरकार ने करीबन 2,500 करोड़ अभी खर्च किया है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप रास्ता आप दिखाओगे तो हमारे महाकॉलेज जो है उदयपुर के अंदर है, आपके जोधपुर के अंदर है, अभी अभी कंसल्टेशन ऑनलाइन इसको भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। परंतु अब आपके साथ जब आप यहाँ अपना सेंटर खड़ा कर दोगे और बढ़ाते जाओगे तो उस सेंटर के साथ भी राजस्थान के अलग अलग जगहों को जोड़ने का काम हम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि योग और आयुर्वेद इन दोनों का एक बहुत अच्छा और बड़ा सेंटर हमारा राजस्थान बन जाएगा। महाराज अब आ गए हैं, थोड़ा वातावरण आपने भी साफ कर दिया है, हम लोग भी कोशिश इसी में कर रहे हैं कि हम लोग सब, छोटा डिस्ट्रिक्ट भले ही हो परंतु एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है महाराज जो बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर देवी शक्ति, ईश्वर शक्ति और फिर संतों की शक्ति, ये तीनों की कृपा अगर हो जाती है तो फिर इनको किस चीज की चिंता करने की जरूरत है। जो इन्होंने पिछले 5 वर्ष जब कांग्रेस का राज था जो उस समय नहीं किया वो आज हम लोगों के सामने कर रहे हैं, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई क्या है ये? आपको कभी करने की जरूरत नहीं है। आखिर में जो राज कर रहे हैं उनको भी तो समझने आनी चाहिए कि पानी की जरूरत अगर है, या अगर रोड की जरूरत है, या अगर रेलवे या ब्रॉडगेज की जरूरत है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम तो हम ही लोग मिलकर करेंगे। आज के दिन महाराज जी इतना बड़ा काम आप लोगों ने यहाँ चालू कर दिया है, उसके लिए आपको, आपके पूरे पतंजलि योगपीठ के सब कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पूरी तरह से लग के यहाँ मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, या हमारे एमपी साहब को, हमारे पूर्व एमएलए साहब महारानी रोहिणी कुमारी जी को, हमारे गहलोत साहब को, यहाँ की टीम को मैं पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि पूरी तरह से आपकी मदद में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और जो जो जनता के काम है उनको पूरा करने में हम तक भी और आप आ गए हो तो आपको भी वो काम पहुंचाने में कोताही नहीं बरतेंगे।
मैं फिर से आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करके फिर से शीश नवाती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के अंदर मुझे भी बुलाया, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे मौके पर यहाँ खड़ी रह पाई हूँ जिस दिन आपने हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े काम चालू कर दिए। सब करौली वासी, मुझे विश्वास है कि खुश है कि आखिर में करौली के अंदर काम चल पड़ा। जोरदार अभिनंदन भाई आज के इस अनुष्ठान के। दोनों हाथ ऊपर करके, हाँ महाराज जी को दोनों मुट्ठी बंद करके महाराज जी को बता दो कि हम कितने खुश हैं कि आज ये काम इधर चालू हो गया। बड़े भारत माता की। सबको मेरा बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार। तेरा हाथ उठा के इसके दिखाओ। फिर से एक बार। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, तालियों के साथ ऐसे नहीं, एको प्रेशर हो जाए। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत ईशान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत ईशान का, तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोलो भारत माता की जय। अब हवन करेंगे पूर्णाहुति और फिर शिलान्यास होगा, तो आपको स्क्रीन पर सबको दिखाई देगा। अब मैडम एक कोई यहाँ का चित्रमाला, यहाँ की चित्रमाला, अच्छा अच्छा यहाँ के जो गौरव स्थल हैं उसके लिए, ये अपने इतिहास के प्रति जिसको गौरव नहीं होता वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये भी कार्य हमारी बहन ने शुरू किया है, उसके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। ये स्वदेशी समृद्धि कार्ड है, हमने वैसे तो पतंजलि के प्रोडक्ट, जैसा बहन जी ने विकाम ने स्वदेशी का अभियान चलाया जो विदेशी कंपनियां देश को आर्थिक दृष्टि से लूटती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, उससे देश को मुक्ति दिलाने के लिए, और स्वदेशी पतंजलि का स्वदेशी ऐसा है कि 100% पतंजलि का प्रॉफिट हेल्थ एजुकेशन गो सेवा गांव गरीब किसान की सेवा के लिए लगाते हैं, उसमें भी 10% की छूट, और किसी के एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपए का उसके ऊपर बीमा, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का उसको अनुदान, ये पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे इसका, आप यहाँ राजस्थान में विमोचन कर दो, जरा जोरदार तालियां। ये स्वदेशी समृद्धि कार्ड है जिसमें 10% पतंजलि के प्रोडक्ट पे छूट, ये यहाँ का पहला कार्ड वसुंधरा जी को ही दे रहा हूं। तो ये 5 लाख रुपए का इसके अंदर बीमा है, और 2.5 लाख रुपए का डिसेबिलिटी होने पर सबको, कोई हो सबके लिए। शिविर स्थल पर शिलान्यास का भी आयोजन रखा गया था, लेकिन उससे पूर्व स्वामी जी महाराज, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण व अन्य गणमान्य लोगों ने स्वामी जी के सानिध्य में इस भूमि पर यज्ञ में अपनी आहुतियां दी। आदरणीय बहन अभी हमारे साथ जाकर के हवन की पूर्णाहुति और शिलान्यास के अनुष्ठान में सम्मिलित हो। ये पतंजलि संस्थान जब यहाँ पर कार्य करेगा उसका जैसे शिलान्यास होने जा रहा है, हजारों युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा, हजारों किसानों को उनके जीवन में समृद्धि का एक नया भाव पैदा होगा। पतंजलि मायने स्वास्थ्य और समृद्धि। आइए पतंजलि के साथ जुड़ें और महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि से, यह स्वदेशी की भूमि है, स्वदेश की भूमि है, स्वाभिमान की भूमि है, आइए हम उस स्वदेशी के अभियान को जीवंत करते हैं, उसका उसके साथ खड़े होते हैं, उस महाअभियान के साथ ही बनते हैं, उस अभियान में जुड़ते हैं, और पतंजलि के इस अभियान से जुड़कर स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों साथ साथ मिलते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज
माननीय यशस्विनी मुख्यमंत्री, योगिनी मुख्यमंत्री माननीय बहन वसुंधरा राजे जी, वह भी यज्ञ पर पहुंच रही है पूर्ण आहुति के लिए। अभी सभी मेरे साथ गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्भरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्भरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्भरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीहमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीहमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीहमामृतात्। अब राष्ट्र की समृद्धि योगक्षेम के लिए सब प्रार्थना करेंगे। वैदिक काल से ये राष्ट्र के योगक्षेम के लिए प्रार्थना हमारे पूर्वज करते आए थे। ओम ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिभ्याधीमहारथो जायताम् दोग्धे धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तेः पुरन्धर्योश जिष्णोरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामेनः परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं मम। सब ओम राष्ट्राय स्वाहा। राष्ट्र के लिए हमारा तन मन धन जीवन है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र ही हमारा सर्वस्व संकल्प के साथ ही ना होतिया। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदम राष्ट्राय इदं नमः। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदम राष्ट्राय इदं नमः। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदम राष्ट्राय इदं नमः। और अब शिष्य की आहुति देंगे हमारी जीजी जो है वो मिठाई लेकर के आई हैं। तो पहले हम किसको अर्पित करते हैं? भगवान को। और फिर हम खुद उसको प्रसाद रूप में लेते हैं। ये प्रसाद जो है ये हम अर्पित करेंगे यज्ञाग्नि में। इसको शिष्य की आहुति कहते हैं। और जब शिष्य की आहुति हम देते हैं अग्निहोत्र में तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो है हमारे जो भी संकल्प हैं वो हमारे पूर्ण हो। तो हमारा संकल्प है यहाँ करौली को विश्व के मानचित्र पर गौरव दिलाने का, दुनिया का एक श्रेष्ठतम यहाँ पर शिक्षण संस्थान आचार्य कुलम, देश की सबसे श्रेष्ठ गौशाला, देश का सबसे श्रेष्ठ आयुर्वेद का चिकित्सालय, जड़ी बूटी का कार्य, कृषि का कार्य, और इसके साथ साथ यहाँ पर पतंजलि योग पीठ के योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा स्वदेशी का कार्य, जिससे कि यहाँ पर हजारों युवाओं को रोजगार मिले, हजारों किसानों को यहाँ से प्रशिक्षण मिले, इस काम के लिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। जो भी भाई बहन जहाँ पर है वहीं से प्रार्थना करेंगे। और ये स्वीकृत आहुति प्रदान करते हुए आज इस पवित्र अनुष्ठान की जो नींव डाली जा रही है प्रभु, ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो प्रार्थना करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यद्वान्योनमिहाकरम अग्निष्टत्सिष्टकृत् विद्या सर्वं सिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये सिष्टकृते इदं मम। ॐ स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं मम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा।
ओम सर्वमयी पूर्णम स्वाहा। तो आज पौने 5 बजे से जी जी हवन चल रहा था, एक तरफ योग और दूसरी तरफ यज्ञ, और अब इसकी पूर्णाहुति आपके हाथों से संपन्न हुई। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। हवन यज्ञ के पश्चात पूज्य स्वामी जी, वसुंधरा जी, अजय आर्य जी, डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी तथा अन्य लोगों ने विधिवत रूप से शिलान्यास कर इस क्षेत्र के लोगों की खुशहाली की कामना की। जी आप इसको कहां से? चलो भाई जोरदार तालियां एक बार। पतंजलि योग पीठ शाखा करौली राजस्थान एवं आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान करौली का शिलान्यास श्रीमती वसुंधरा राजे, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के पवित्र कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ आज के पवित्र दिन। इसके लिए जोरदार एक बार अभिनंदन। इसमें विशेष योगदान हमारे अजय अग्रवाल जी का जो, और हमारे मनोज जी का, और अग्रवाल समाज का भी एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, और सर्व समाज का जिन्होंने इस पवित्र अनुष्ठान के लिए ये पवित्र स्थान ऐतिहासिक भूमि उपलब्ध करवाई। और अब पूरे विश्व के मानचित्र पर करौली का गौरव बढ़ेगा, और यहाँ से शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कृषि का, गो सेवा का, और बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे करके उनको के जीवन को, उनके भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए उनको वो IAS बने, IPS बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, वो अच्छे नेता अभिनेता बने, जीवन में जो बने वो सर्वश्रेष्ठ बने। और हमारा संकल्प है यहाँ जो आचार्य कुलम खुलेगा उसे एक वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक, एक दिव्य श्रेष्ठ नागरिक तैयार होंगे, जिनके ऊपर आप गौरव करेंगे, आपका कुलवंश गौरव करेगा, और ये राजस्थान जो देश की गौरवशाली धरा है ये गौरव करेगी। जिस एरिया को पिछड़ा हुआ माना जाता है, आने वाले 10-15-20 सालों में ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके माध्यम से जो हमारी बहन का सपना था वसुंधरा राजे जी का, वो सपना हम पूरा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, बोले भारत माता की जय। तो बहन जी आपका सपना हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, और इसमें बहुत बड़ा प्रसाद राजे जी ने किया आपके आशीर्वाद से। ऐसा तो हम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महाराज पूरे तरह से सक्षम है। परंतु फिर भी आज हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज पतंजलि पीठ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ इतना बड़ा काम चालू करने जा रहे हैं, जिसका फायदा करौली वासियों को मिलेगा। और जैसे वो कह रहे, इतने दिन से कहते आ रहे हैं, मैं इनके जब पीछे पड़ी तो इन्होंने भी ये मेरे को कहा, ये मैं सोच नहीं सकती थी कि करौली को चूज करेंगे वो, और उन्होंने करौली को चूज किया, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से ही ये बदलाव चालू होगा। ये बदलाव चालू यहीं से होगा, और महाराज जी इसको शुरुआत करेंगे, और आप लोग इसके साथ जुड़ेंगे, और आप और महाराज जी दोनों मिलके राजस्थान के अंदर वो और राजस्थान को ऊंचाई में ले जाने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो जोरदार तो सही भैया, दूर तक आते हैं। और जसवंत जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे
और मनोज जी को एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद। और सबको आज अब क्योंकि 3 दिनों का ये अनुष्ठान पूरा हो रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है। यहाँ से मीणा समाज, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज, सर्व समाज बहुत जोरदार से बहुत बहुत धन्यवाद। इस पवित्र स्थान पे महाराज जी ने चुनके पतंजलि का काम राजस्थान के अंदर शुरुआत किया है। यहाँ गौशाला इनका एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्था आचार्य कुलम जिसको कहते हैं, और इसके साथ साथ आपके आयुर्वेद आयुर्वेद का एक बड़ा संस्थान चिकित्सा, और ये सब चीज़ें हम खेती आज जो शुरू किया है कि यहाँ खेती भी शुरू करेंगे, हर्ब जड़ी बूटी वगैरह ये सभी, और प्रशिक्षण करेंगे लोगों का। मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपने देख लिया जब पहले हम इनकी बात करते थे महाराज जी, तब लोग सोचते थे जड़ी बूटी का क्या होने वाला है। आज उनको समझ में आ गया है सबको कि दुनिया के अंदर इस जड़ी बूटी का और इस स्वदेशी दवाई का एक बहुत बड़ा स्थान है, और लोग इसके अंदर विश्वास कर रहे हैं। और ये काम यहाँ चालू हो जाएगा तो मैं बहुत सारे लोगों को कहना चाहती हूँ, यंगस्टर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, किसान खेती में इसको इस्तेमाल कर सकेगा, नए नए चीज़ों का प्रयोग कर सकेगा, और पतंजलि योगपीठ के गाइडेंस में इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा, तो करौली अपने आप में एक सेंटर बन जाएगा, जिसको मैं समझती हूँ करौलीवासी खुद ही नहीं समझ सकते। तस्वीर बदल जाएगी, लाइफस्टाइल बदल जाएगी, सोच बदल जाएगा, और राजस्थान को एक रास्ता दिखाने का काम करौली करेगा आने वाले समय के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम है, और इसलिए मैं महाराज को बारंबार धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम इस इलाके के ही हैं, और इसीलिए हम खुद ही जानते हैं यहाँ बहुत बाधाएं आई स्वरूप में, कितनी बाधाएं हैं महाराज, ऐसे यहाँ आसान नहीं है, किसी चीज में आसानी नहीं होती है। पेयजल योजना, परंतु किसी, मैं बता रही हूँ, पेयजल योजना अपने शुरू की 13 साल पहले महाराज, जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मैंने वो योजना शुरू की थी। कितनी बाधा आती है वो आप देख लीजिए, वो फर्स्ट योजना आज खत्म होने जा रही है। क्या बात, कोई नहीं कर पाए उसको, इतना मुश्किल काम था, अब बड़ी मुश्किल से इस मई के अंत तक हम वहाँ तक पानी ले जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए कोई भी बाधा आपके सामने तो क्या आएगी महाराज जी, परंतु कभी भी कोई ऐसी बात आ जाती है तो आप हम सबको क्षमा करेंगे, क्योंकि ये आप अपने आप ही सुधरेंगे, हम सब सुधरेंगे आपके निगाह में और आपके सानिध्य में, और धीरे धीरे समझ जाएंगे हम कि हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है, और हम दौड़ते भागते इस चित्र को आगे ले जाने का काम करें, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रदेश आगे बढ़ सकता है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमारे संत महात्मा यहाँ आते हैं, प्रवचन करते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं, ये सब चीज़ों में ही सीक्रेट जिसको बोलते हैं वो है। मैं समझती हूँ कि राजस्थान के वासी इसके ऊपर गर्व करेंगे जब धीरे धीरे ये सब बातें उनके सामने आएंगी। इसके साथ साथ हमने पैनोरामा भी बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो महापुरुष लोग हैं, हमारे संत महात्मा हैं, मीराबाई जैसे लोग हैं, उनके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी जो है वो भूल रही है, इस इतिहास को भूलती जा रही है, तो हम ही पैनोरामा खड़ा कर देंगे, तो लोग अपने अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे। बड़े बड़े लोग हों, माने उनकी याददाश्त अपने को करनी चाहिए, अपना इतिहास अपने को नहीं तो फिर किस चीज़ का गौरव अपन करें। हमारे यहाँ बोला जाता है बिना अतीत के वर्तमान दिशाहीन होता है, और बिना वर्तमान के अतीत गतिहीन होता है। अतीत के गौरव स्वाभिमान और अतीत की अपने सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर के वर्तमान के धरातल पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समृद्धि के नए सोपान हमारे वसुंधरा राजे जी यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, और जहाँ इस धरती पर जहाँ पर अभी खड़े हैं यहाँ पर 30-30, 50-50 फीट गहरे टीले वो टिब्बे हुआ करते थे, उन खाइयों में और टीलों के बीच में यहाँ पर ये स्थान शुरू हुआ है, तो यहाँ इसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे वसुंधरा राजे जी का है। मेरे को 2 महीने से ये पीछे पड़े हुए थे कि स्वामी जी आपको राजस्थान में आना है, और सबसे पिछड़े क्षेत्र में आप यहाँ पर अपनी सेवाएं शुरू को, जहाँ पर कोई नहीं जाता। मैंने कहा हम तो फकीर हैं, वजीर लोग, अमीर लोग तो बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं। मैंने कहा हम फकीर हैं, हम खुद एक साधारण परिवार में अनपढ़ माँ बाप के खेत खलिहान में किसान के परिवार में पैदा हुए, तो हमने कहा
उनकी सुदबुद्ध हम लेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ अग्रवाल समाज सहित गुर्जर समाज, मीणा समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, सर्व समाज के लोगों ने इसके लिए सहयोग दिया। थोड़ी चुनौतियाँ रही लेकिन अब सब चुनौतियाँ दूर हो चुकी हैं। अब करौली का विश्व मानचित्र पर एक गौरव बढ़ेगा। यहाँ शिक्षा से लेकर के, संस्कार से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, रोजगार और गौ सेवा, कृषि सेवा से लेकर के जितने भी रोजगार के नए सृजन हो सकते हैं वो शुरू होंगे और सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पतंजलि यहाँ से प्रारंभ करेगा। इसमें जिन भी प्रोजेक्ट्स में सरकार की भी मदद की आवश्यकता होगी वहाँ वसुंधरा जी भी करेंगे और एक साल के भीतर भीतर ये सारे कार्य यहाँ पर आप मूर्त रूप में देखेंगे। हमारे वेद में एक मंत्र है, उपवरे गृणाम संगमे चनिदनाम धिया विप्रो अजायत है। पहाड़ों की तलहटियों और नदियों के किनारे पर हमारी संस्कृति और सभ्यता आगे बढ़ी। ये इतना सुंदर परिवेश है यहाँ पर देख करके मुझे तो ऐसा लगता है मैं कहीं हिमालय में ही आ गया हूँ। तो ये बहुत ही पुण्य धरा है और वैसे मेरी जन्मभूमि, यद्यपि ऐसे तो ये पूरा भारत ही मेरी जन्मभूमि है लेकिन राजस्थान, लेकिन मेरी माँ की भूमि, मानी माँ जो गुलाब देवी है मेरी माँ, वो राजस्थान की तो मेरी मातृभूमि है और हमारी राजमाता जी की भी भूमि है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत बड़ा कार्य।